एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे पनीर स्टफ लौकी कोफ्ता। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये यूनिक बिल्कुल पनीर स्टफ लौकी कोफ्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे हमने लौकी ली हुई है, तो लौकी को हमने यहाँ पे कद्दूकस करके रखा हुआ है। और कद्दूकस करने के बाद में उसका जितना भी पानी लौकी का होता है, दोनों हाथों की मदद से हमने सारा पानी उसका हटा दिया है। और इस तरह से ये लौकी फिर जो है निकाल के इसमें रखी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं, रफली चॉप किया है। 4 मीडियम साइज के टमाटर है, टमाटर को भी हमने रफली चॉप किया हुआ है क्योंकि पनीर हम स्टफ करेंगे उसमें। तो ये पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स हमने काट के रखे हुए हैं, आप मैश करके भी पनीर को यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हमने लिया है। और यहाँ पे हमने बेसन लिया हुआ है, तो जो लौकी की हम बाइंडिंग करेंगे तो उसमें बाइंडिंग के लिए जितना परफेक्ट होगा बेसन, हम उतना ही बेसन उसमें ऐड करेंगे। और साथ ही साथ ये 1 छोटा कप हमें क्रीम चाहिए। यहाँ पे हमने 2 तरह से हरी मिर्च काट के रखी हुई है, एक क्योंकि हम ग्रेवी में जो भी पेस्ट बनाएंगे टमाटर और प्याज का, तो उसके लिए हमने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं हरी मिर्च के, और ये बिल्कुल बारीकी से चॉप करके रखा हुआ है। साथ ही साथ हमें चाहिए हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हींग और हरा धनिया। तो शुरू करते हैं लौकी के कोफ्ते बनाना। पहले 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के थोड़ा सा गरम कर लेंगे हम उसे, और उसके बाद में इसमें प्याज डाल देंगे। और साथ ही साथ ये टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें जो हमने बड़े पीसेस किए हुए हैं हरी मिर्च के, वो हम डाल देंगे। हल्का सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे जिससे कि ये टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर हम प्यूरी के लिए इसका एक पेस्ट बना के रख लेंगे। अब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, तो गैस बंद करेंगे और इसे हम पहले ठंडा करके और ग्रेवी के लिए इसकी प्यूरी बना के हम रख लेंगे। तो अब शुरू कोफ्ते बनाना हम शुरू करते हैं। एक साइड में कोफ्ते के लिए सबसे पहले जो आधा किलो लौकी हमने कट के रखी हुई है, तो इसमें सबसे पहले तो हम बेसन डालेंगे। पहले सिर्फ 3 टेबल स्पून के करीब हमने बेसन डाला है। उसके बाद में ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे, साथ ही साथ जो बारीक कटी हरी मिर्च थी ये ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे हम, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/4 चम्मच के करीब हमने डाला है। सभी चीजों को मिक्स करके इसकी एक बाइंडिंग बनाएंगे। कोफ्ते के लिए हमने बाइंडिंग बना के रेडी कर ली है। और लास्ट में इसमें 1 चुटकी के करीब हींग डालेंगे, 1/4 चम्मच खाली लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें पिसी हुई। और अब हम इनके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ एक कढ़ाई में हम ऑयल भी गरम कर लेंगे क्योंकि कोफ्तों को हमें डीप फ्राई करना है। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, इससे थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे हाथ को। आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा बैटर हम इसमें से लेंगे।
और ये पनीर के क्यूब्स लेके इस तरह से इसको कवर कर देंगे पनीर के क्यूब्स के साथ में। और मैं इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स इसके बनाऊंगी, आप अपने हिसाब से साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम इसे मीडियम ऑयल हमें रखना है, मीडियम गैस रखनी है और इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से एक एक करके हम बना बना के इसमें डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है कोफ्तों को। सेम इसी तरह से मैं फिर से एक और बनाती हूँ। देखिए, एक और हमने बना लिया, तो एक बार में जितने आ जाएंगे उतने हम फ्राई करेंगे। इसी तरह से सभी कोफ्ते बना के पहले हम रेडी करेंगे। ये कोफ्तों को हमने मीडियम गैस पे फ्राई किया है और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया कलर अब इसका आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इस तरह से हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से और भी कोफ्ते बना के हम रेडी कर लेंगे। ये कोफ्ते बना के हमने रेडी कर लिए हैं, तो अब इसकी ग्रेवी हम बनाते हैं। अब सेम कढ़ाई हम यूज कर रहे हैं, तो जितना भी एक्सेस ऑयल था वो हमने हटा दिया है और एक बड़ा चम्मच ऑयल हमने इसमें रखा हुआ है। तो सबसे पहले उसमें ये जीरा डाल देंगे हम। और साथ ही साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। सॉटे करने के बाद में इसमें ये हींग ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे एक चम्मच के करीब, थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। और उसके बाद में जो टमाटर और प्याज की हमने प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे। गैस को भी हम बिल्कुल फुल कर देंगे। कुछ मसाले इसमें और डाल देते हैं, एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच के करीब गरम मसाला, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। इस तरह से सभी मसाले डालने के बाद में अब हम इसे पहले 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। पांच मिनट हो गए इसको बॉईल होते हुए, अब इसमें ये क्रीम हम डाल देंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी धनिया पत्ती हम ऐड कर देंगे। और ये जो पनीर के क्यूब्स बचे हुए हैं आप इसको डाल भी सकते हैं ये, और अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो क्यूब्स बचे हैं वो मैं इसी ग्रेवी में डाल देती हूँ और 2 मिनट के लिए इसे और पका लेते हैं, उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। दो मिनट के बाद अब इसमें ये जो कोफ्ते हमने बना के रखे थे एक एक करके वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे कोफ्ते हमने इसमें डाल दिए। कोफ्ते डालने के बाद में 2 मिनट से और पका लेंगे और ये पनीर स्टफ लौकी कोफ्ता बनके रेडी हो जाएगा। और ये 2 मिनट हो गए हैं और ये स्टफ लौकी कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं। तो गैस बंद करते हैं, इसे सर्व कर लेते हैं। सबसे लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ती और डाल देंगे इसमें और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। पनीर स्टफ लौकी कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।